पीछा डाउन कर, चल बाहर। हाँ भाई पेपर निकालो। पेपर नहीं है। लाइसेंस निकालो। लाइसेंस लाइसेंस तो बनवाया ही नहीं। सीट बेल्ट इसने नहीं पहनी, गाड़ी के पेपर इसके पास नहीं है। शेरू एक काम कर, 20,000 का चलान काट दे। अरे मैडम हमें पता आपको क्या चाहिए, ये लो और इसे लेकर रफा दफा करो मामला। अच्छा अब तू रिश्वत देगा हमें है? एक काम कर 25,000 का चलान काट इनका। अच्छा मैडम चलान काटोगे, अब तो आपको मैं फूटी कोड़ी भी ना दूं। आपको पता नहीं है इस एरिया का MLA है मेरा बाप, अभी बात करवाता हूँ और फिर देखना आपके साथ क्या होगा। ये लो बात करो। तू बात कराएगा और मैं कर लूंगी। एक काम कर इनकी गाड़ी भी जब्त कर। सारा तुम्हारी गाड़ी तो जब्त होगी होगी, ऊपर से पिछवाड़े पे इतने डंडे मारवा पेंट में ही मूत दोगे। ब्रो हमें मूत से याद आया, हमें सुसु आया है, हम पहले सुसु करके आते हैं ठीक है। वेट अ मिनट। या सी यू लेटर। अरे मैम मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चे हैं रफा दफा करते हैं, थोड़ी बहुत रिश्वत लेके अपना चाय पानी का तो काम चल ही जाएगा। अरे रिश्वत से क्या मिलेगा, गाड़ी इसीलिए तो बॉन्ड की है, गाड़ी बेचेंगे। समझा कर। यहाँ यहाँ मूतेंगे भाई। बाबा वे कलाम रोड, चल मेरे भाई लगा दे जोर। बाबा मारू दाबा, नहीं ते हो जू खून खराबा। तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? तुम्हें नहीं पता तुमने किसकी कब्र पर सुसु किया है? अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगी। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए कंगाल हो जाओगे। तुमने आज तक जो भी कमाया है वो सब खत्म हो जाएगा, तुम कंगाल हो जाओगे कंगाल। अरे मैम इसका बाप MLA नहीं जादूगर लगता है, देखो गाड़ी भी गायब हो गई। अरे गाड़ी तो दोबारा आ जाओगी, भाग ले अभी। गाड़ी गाड़ी कहाँ है अपनी गाड़ी? अरे गाड़ी छोड़ो, तुम लोगों का ये हाल किसने किया? और तुम्हारे कपड़े, ये कपड़े कैसे बदल गए? यार हम वहाँ सुसु कर रहे थे, वहाँ अचानक एक चुड़ैल आई और उसने हम दोनों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों कंगाल हो जाओगे। क्या? ओह अब समझा मैं, वो गाड़ी भी उस चुड़ैल ने गायब की होगी पक्का। भाई गाड़ी को छोड़ो, वो चुड़ैल हमारे पीछे होगी, जल्दी से घर भागो, घर भागो। आजकल नहीं, आजकल के लोगों में किसी के भी घर बिना बताए घुस के जाना है, घुस के जाना, घुस के चलो निकलो। अरे पर ये घर तो हमारा है, मेरे को बाहर क्यों निकाल रहे हो? ये घर तुम्हारा था अब नहीं है, ये घर तेरा बाप बेच के चला गया पहाड़ों में मैगी खाने। आज के बाद इस घर के आसपास भी देख मत जाइयो। अरे बाप बेच के चला गया, मतलब हम सचमुच में कंगाल हो गए। अरे आ गए तुम लोग। यार मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया, मेरा तो घर भी बिक गया और मेरा बाप वो तो मेरी पूरी फैमिली को लेके पहाड़ों में चला गया मैगी खाने और मेरे को यहाँ अकेला छोड़ दिया। भाई अकेला तू बर्बाद नहीं हुआ, बर्बाद तो मैं भी हो गया, मैं और मेरा पूरा परिवार रोड पे टेंट लगा के सोना पड़ेगा। भाई मेरे को लग रहा है ये चुड़ैल हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ भाई सही बोल रहे हैं। मैं एक बाबा को जानती हूँ जो चुड़ैलों को वश में करना जानते हैं।
नहीं नहीं, वो बाबा काम के नहीं है। मगर क्यों, तुम्हें कैसे पता? आज तक उन्होंने तेरे को ही वश में नहीं किया। अच्छा, एक तो उपाय बता रही हूँ और मैं नहीं बता रही, जाओ यहाँ से। अरे यार रुको भाई, इसके अलावा कोई और उपाय है? नहीं, उपाय तो नहीं है। अच्छा फिर अब बता दे। अरे बताना क्या है, चलो ना सीधा दिखाती हूँ। अरे यार तू कहाँ ले आई, ये तो बिल्कुल सुनसान सी जगह है, कहाँ है बाबा? अरे सब्र रखो, यहीं मिलेंगे बाबा। वो देखो आ गए बाबा। बाबा जी डराओ तो मत। डरने थोड़ी आए हैं। क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा जी हमें ना एक चुड़ैल मिली थी सुसु करते वक्त, और उसने हमें श्राप दे दिया और हमें कंगाल कर दिया, घर तक बिक गए हमारे। तो उस चुड़ैल से छुटकारा दिला दो बाबा जी, प्लीज प्लीज। बस बस बस, तुमने इतना बता दिया वो काफी है, बाकी की बात नागराज बताएंगे। नागराज आपको कष्ट दे रहा हूँ, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। इनकी समस्या बताइए। हैं? हैं? अच्छा ओ हो हो हो, अच्छा आपको पता नहीं। चलो कोई नहीं, आप आराम कीजिए। नागराज आज विश्राम करेंगे, तुम ही बताओ क्या समस्या है। अरे बाबा जी हमने बोला तो उस चुड़ैल से छुटकारा चाहिए, बस बस। उस चुड़ैल से डर गए तुम? अरे बाबा ने बड़े बड़े चुड़ैलों को अपने काबू में किया है, बाबा ने तो अपनी बीवी को भी काबू में कर रखा है। अरे वाह बाबा जी वाह, फिर तो आप पक्का काबू कर लोगे चुड़ैल को, बस आप इलाज बताइए। हाँ हाँ, ये टेक्निक तो नासा के पास भी नहीं है। सही कह रहा, सही कह रहा। चुप रहो, शांत रहो, सुन। तुम्हें अगर उस चुड़ैल को काबू करना है तो तुम्हें उसे ढूंढना पड़ेगा। अरे पूछ तो लो, किसे ढूंढना पड़ेगा? हाँ हाँ, क्या क्या ढूंढना पड़ेगा? एक बॉक्स को ढूंढना पड़ेगा। उस बक्से के अंदर तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जिसका जब तुम इस्तेमाल करोगे तो चुड़ैल तुम्हारे और बाबा के काबू में हो जाएगी। लेकिन बाबा जी वो बक्सा मिलेगा कहाँ? यहाँ से जब तुम पश्चिम में जाओगे, जाओगे ना? हाँ, जाएंगे, जाएंगे। वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें पूर्व में जाना पड़ेगा, ईस्ट में, वहां तुम्हें वो बक्सा मिलेगा। पर बाबा पूर्व में कहाँ? पूर्व तो बहुत बड़ा है। एग्जैक्ट लोकेशन तो बता दो। अरे निकम्मी जनरेशन, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए तुम्हें। जा, बाबा ने लोकेशन भेज दी तेरे मोबाइल पे। आ गई भाई, आ गई। नागराज जाओ। हाँ नागराज, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो वही चुड़ैल है ना जिसको मैं और आप कब से ढूंढ रहे हैं। अगर ये चुड़ैल हमारे काबू में आ गई नागराज, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो जाऊंगा, सबसे ताकतवर आदमी हो जाऊंगा। फिर मैं उसके जरिए लोगों को डरा डरा के उनके सारे पैसे हड़प लूंगा। सबसे ताकतवर हो जाऊंगा। जय नागराज। भाई उस बाबा के हिसाब से तो यहीं की लोकेशन दिखा रहा है, यहीं है बॉक्स कहीं। तो भाई बाहर क्यों खड़े हैं, चलना अंदर। हाँ चल।
मिला? भाई मेरे को तो मिला नहीं। हमें भी नहीं मिला और अब हम और नहीं ढूंढने वाले, थक गए हम। हाँ भाई देख, मैं तो ढूंढने वाला हूँ नहीं, अगर तुम लोगों को ढूंढना है तो जाओ, मैं तो यहीं बैठूंगा। अबे यार अब उसको कैसे ढूंढेंगे? एक मिनट, तू बैठा किस चीज पे है? मैं? भाई ये मेरे को वही बक्सा लग रहा है। हाँ भाई देखा, ढूंढ दिया ना मैंने। अच्छा अच्छा चल ठीक है, अब उठा चल निकलते हैं। जय हो नागराज, आपकी वजह से इनको ये बॉक्स मिल गया। अरे नागराज जी ये तो बताओ, इन सब का करना क्या है? तुम क्यों चिंता करते हो नागराज, है ना, नागराज रास्ता बताएंगे। जय नागराज। हाँ हाँ नागराज। अच्छा ओहो, अच्छा आपको नहीं पता? नागराज को नहीं पता, खुद देखो। अच्छा ठीक है, पर ये तो पता होगा ना जाना कहाँ है। उसकी चिंता क्यों करते हो, बस यहीं पर तो जाना है। अरे बाबा जाना कहाँ है, पास कोई जगह भी तो होगी। यहीं पर केवल 2000 किलोमीटर दूर। 2000 किलोमीटर? अबे नागराज तेरा दिमाग सटिया गया क्या, 2000 किलोमीटर को तो यही बता रहा है। ना हमारे पास गाड़ी, ना हमारे पास घोड़ा, ना हमारे पास टैक्सी के पैसे हैं, बताइए जाएंगे कैसे? छोटे लोग छोटी बातें, नागराज लेके जाएंगे हमें वहां पर, नागराज खुद लेके जाएंगे वहां पर। जय नागराज। अरे नागराज बाबा हमें बता दो कैसे जाएंगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे बेवकूफो, मैं तुम्हें अपने रथ में लेके जाऊंगा। अबे इसका दिमाग सही में सटिया गया, रथ में तेरे को पता है 2000 किलोमीटर में 2-3 साल लग जाएंगे। नागराज इनको कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? बेवकूफो मेरा रथ, अरे इलेक्ट्रॉनिक रथ है, बहुत तेज भागता है। अच्छा कहाँ है रथ? वो देखो। जय नागराज। भाई बाबा इतना अमीर है? ये बाबा नहीं, कुछ और ही भला है। चलो यार, अभी तक हम सिर्फ आधा रास्ता आए हैं, आधा रास्ता भी बाकी है। क्या? हाँ भाई चलते चलते कहीं बूढ़े तो नहीं हो जाएंगे? अबे चुप रहना तू। सुनो मेरे नागराज को दूध पिलाने का टाइम हो गया है, मुझे इन्हें दूध पिलाना है। मैं तो चला नागराज को दूध पिलाने। जय नागराज। अजीब नागराज है। वैसे अभी हमें बहुत दूर जाना है और भूख तो हमें भी लगी है, तो पहले कुछ खा ही लेते हैं। सही कह रहा है। हाँ भाई इससे पहले चुड़ैल हमें खाए, हमें कुछ खा लेना चाहिए। चलो फिर। के हिसाब से तो यही होना चाहिए, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये जगह तो खाली है। भाई चलते हैं ना आगे, क्या पता कुछ हो। हाँ चलो। अरे वाह फाइनली हम यहाँ पहुँच ही गए, अब हमें चुड़ैल मिल जाएगी और फिर हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे। अबे भाई इसमें तो करंट है। अरे यार छोटा सा तो गेट है, इसको तो मैं ऐसे ही कूद के चला जाऊंगा, रुको। हेलो, इस दरवाजे को
मैं अपने नागराज की मदद से खोलूंगा। जय नागराज। अरे वाह, बाबा में तो बड़ा दम है। वेरी गुड। चुप करो, ये बताओ मुझे धक्का कैसे दिया? बाबा ये सब छोड़ो ना, गेट कैसे खोलना उस पे ध्यान दो। अरे रुको, ये देखो ये किताब खोलेगी इस गेट को, इसमें तो चाबी भी है, इस ताले की है शायद। अरे रहने दो रहने दो, तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने एक पुरानी मूवी देखी थी, अभी मैं अपने जादू से खोल के दिखाती हूँ इसको। खुल जा सिम सिम। और बन ले अली फलैला की चाची। कैसे खोलें इस गेट को? भाई हमारे पास और भी तो सामान है ना, क्या पता उसकी मदद से खुल जाए। हाँ शायद ये कुछ काम आ जाए। अरे वाह खुल गया, चलो। अरे बाबा जी कहाँ ले आए, कहाँ है चुड़ैल? बेवकूफ, यहीं पर चुड़ैल रहती है, हमारे नागराज ने हमें बताया है। अरे तो दिखाई क्यों नहीं दे रही, है कहाँ चुड़ैल? चुड़ैल यहीं रहती है, मैं कह रहा हूँ ना, चुड़ैल यहीं रहती है। अरे बाबा, बाबा कहीं आप इनकी बात तो नहीं कर रहे? क्या? इसका? नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वेरी गुड। अरे नहीं, इनके अलावा भी एक और रहती है। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ वो है कहाँ? हाँ बाबा चुड़ैल है कहाँ, अगर है तो। बेवकूफो, चुड़ैल ऐसे नहीं आती, उसे बुलाना पड़ता है। बुलाना पड़ता है तो बुलाओ ना। अरे मैं नहीं, मेरे नागराज बुलाएंगे। क्यों नागराज? हैं हैं हैं? अच्छा अच्छा, ओहो आपको नहीं पता? नागराज को नहीं पता? कैसा नागराज है ये, इतनी दूर ले आया और चुड़ैल का कुछ अता पता ही नहीं है, अब क्या करें? मुझे क्या पता, मेरा काम था यहाँ तक लाना। अरे यार कैसे बुलाएं अब चुड़ैल को। भाई देख, उस घड़ी ने दरवाजा खोल दिया था, अब बची है ये किताब, शायद इसके अंदर कुछ मिल जाए। हाँ तो खोल ना, जल्दी खोल। भाई ये तो खाली है। खाली? हाँ बिल्कुल तेरे दिमाग की तरह। ये पकड़, ये मेरे को थे। पांचवी फेल, तेरे को होगा तो भी नहीं दिखेगा। हाँ तूने तो जैसे बीटेक कर रखी है। हाँ कर रखी है। भाई चश्मा लेके आऊँ? हाँ गांधी वाला लाइए। मिल गया। क्या चुड़ैल मिल गई? चुड़ैल खाली पन्ना। ये मिल गया, मिल गया, इस बार मिल गया। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, यही है चुड़ैल का बसेरा। बाबा जी ये चुड़ैल है? यही चुड़ैल है। अरे नागराज तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? चुड़ैल थोड़ी ना, ये तो अप्सरा लग रही है। अप्सरा? अप्सरा नहीं हूं मैं, चुड़ैल हूं मैं, चुड़ैल। जट सिवियां चो लंगे आ चुड़ैल टकरी, जानी बड़ी सोनी भूत फी मेर टकरी। समाना गवा आजा चिंबड़ जा, मैं क्या चिंबड़ जा, आजा चिंबड़ जा, मैं क्या चिंबड़ जा। अरे बेवकूफो कहाँ खो गई? ये चुड़ैल है अप्सरा नहीं है, चुड़ैल है चुड़ैल, वही चुड़ैल जिसने तुम्हें श्राप दिया था।
अरे बाबा ये चुड़ैल कैसे हो सकती है? इतनी सुंदर लड़की कोई चुड़ैल कैसे हो सकती है? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे चुप करो, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं कोई अप्सरा अप्सरा नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ चुड़ैल। तुम्हें समझ में नहीं आता? अच्छा अगर तू चुड़ैल है ना तो मैं सलमान खान हूँ। और हाँ मैं शाहरुख खान। चुड़ैल भाई, अगर मेरी इस चुड़ैल से सेटिंग नहीं होती ना तो इस चुड़ैल से कर ले तो। भाई तू तो कर ले तो, मैं तो करूंगा। तू ये पकड़, मैं चला इसको प्रपोज करने। देखो तुम चाहे अप्सरा हो या चुड़ैल, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे हो गया तुमसे प्यार और अब मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। तो आओ, आ जाओ मेरी बाहों में। क्या हुआ, अब नहीं लोगे मुझे बाहों में? हाँ भाई ये सच में चुड़ैल है। हाँ भाई, मैंने तो पहले ही कहा था ये चुड़ैल है। इस गोरी गोरी को देख के एक बार तो मुझे भी लगा था, पर मुझे पता था, नागराज ने बताया था कि ये चुड़ैल है, चुड़ैल। अब मुझे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है तुम्हें यहाँ पे? अरे हम तो श्राप से मुक्त होने आए हैं जो आपने हमें वहां दिया था। तुम्हें इस श्राप से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तुमने मेरी कब्र पे सुसु किया था ना? जी जी, तुम्हें तो मुक्ति कभी नहीं दूंगी मैं। तुम चारों, हाँ और ये बाबा भी, यही सारी उम्र मेरे साथ भटकते रहोगे। अरे नागराज जी, इतनी दूर तले आए, अब इस चुड़ैल को कुछ बोलो ना, हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी ये। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, नागराज है ना हमारे साथ, नागराज मुक्ति दिलाएंगे तुम्हें और इसको वश में करके ले जाएंगे। जय नागराज। ढोंगी है ये बाबा, कुछ नहीं कर पाएगा ये। अरे चुड़ैल जी, मैं तो बोलता हूँ आज के बाद है ना हम कहीं पे भी सुसु नहीं करेंगे। तुम उस लायक बचोगे तब तो सुसु भी करोगे। मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी मैं। प्लीज कुछ तो देखो ना, कुछ तो सोल्यूशन होगा, प्लीज हमें माफ कर दो। सोल्यूशन? हाँ एक सोल्यूशन है मेरे पास, लेकिन छोड़ो तुम्हारे बस का कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। अरे ऐसा कोई काम ही नहीं है जो हम ना कर सके। हमने आपकी कब्र पे मूत दिया, अब बताओ हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो सुनो, अगर तुम लोगों को मुक्ति चाहिए तो तुम में से किसी एक को अपनी बलि देनी पड़ेगी, मुझे खून देना पड़ेगा। अब बताओ कौन अपनी बलि देने के लिए तैयार है, बताओ बताओ। अगर किसी एक की बलि से दूसरे को मुक्ति मिल रही है तो मैं अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी जान ले लीजिए। नहीं भाई, सुसु जब दोनों ने किया है तो बलि भी दोनों ही देंगे, आप मेरी बलि ले लीजिए, मुझे मार दीजिए। अगर तुम लोग अपनी जान दोगे तो हमें भी नहीं जीना, हम भी अपनी बलि देंगे, और वैसे भी तुम्हारे बिना जिक्र हम क्या करेंगे। क्या तुम चारों अपनी बलि देना चाहते हो? तुम एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, और मैं कितनी बुरी हूँ, मैं तुम्हारे साथ कितना बुरा करने जा रही थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें मुक्त कर देती हूँ। हाँ ये सही रहेगा, तुम सबको मेरे श्राप से मुक्त कर दूंगी। तुम मुक्त हो, अब तुम जा सकते हो। अरे भाई हमारे कपड़े वापस आ गए, मतलब हम श्राप मुक्त हो गए। जय नागराज।
तूने नागराज को नाराज कर दिया है, तेरा आप अनिष्ट होगा। मुझे पहले ही पता था तुम हमारे लिए नहीं, तुम खुद के लिए आए हो। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। जय नागराज। मेरे नागराज कहाँ गए? अरे अरे, नागराज के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे नागराज कहाँ गए?